तो फाइनली दोस्तों टीवीएस अपनी जुपिटर 125 को सीएनजी के साथ लॉन्च करने वाली है, जिसका माइलेज दोस्तों आप लोग को 150 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं आप लोग को इसी टीवीएस की ओर से आने वाली जुपिटर 125 सीएनजी स्कूटर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो जुपिटर 125 सीएनजी रहने वाली है, ये दोस्तों आप लोग को नॉर्मल जो जुपिटर 125 देखने को मिलती है वैसा ही देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप लोग को पेट्रोल इंजन तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन दोस्तों इस पे आप लोग को जो है एक सीएनजी का टैंक भी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग को इस पे अगर माइलेज के बारे में बात करी जाए तो पेट्रोल का जो माइलेज है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 50 के आसपास में देखने को मिलेगा, लेकिन सीएनजी का जो माइलेज है ये आप लोग को 100+ देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल जो आप लोग को रेंज है ये लगभग दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है 150 तक की देखने को मिल सकती है। सीएनजी प्लस पेट्रोल के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों फीचर्स और इंजन वगैरह ये नॉर्मल जो जुपिटर 125 पे आती है वैसे ही आप लोग को इस पे भी फीचर और इंजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों प्राइसिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से जो है इस स्कूटर की प्राइसिंग कितनी रहने वाली है। बाकी लॉन्च के बारे में बात करी जाए तो इस स्कूटर को दोस्तों 2025 के फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकेंड क्वार्टर तक जो है लॉन्च किया जा सकता है टीवीएस कंपनी की ओर से। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस जुपिटर 125 सीएनजी स्कूटर को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।